दिस इज ज्योतिका चौहान एंड वेलकम बैक टू माय अगेन नेक्स्ट व्लॉग। आज है हल्दी का फंक्शन, पहले तक आज का व्लॉग शूट करने के बहुत एक्साइटेड हूं, बट उस दिन की तरह आज भी बारिश आना स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर आई डोंट नो, दिखाती हूं आपको, आई डोंट नो ये भी फंक्शन कैसे होने वाला है, मुझे नहीं मालूम। बट अब व्लॉग को एंड तक देखना कि हमारे राजस्थान में किस तरीके से वेडिंग की जाती है, किस तरीके हल्दी का फंक्शन मनाया जाता है वगैरह वगैरह जो भी है। यह है मुस्को, यह है करिश्मा चौहान, इन दोनों के भी यूट्यूब चैनल है, जाके देखो। हेलो, आज है गाइस हमारे घर में हल्दी फंक्शन, कब होने वाला है, रेडी होने वाले हैं। बट उससे पहले हमको खुद को मेकअप करना है, इसलिए मैं अपने फेस को सेव कर रही हूँ जिससे कि मेकअप अच्छी तरीके से हो जाए। तो उससे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर मामाअर्थ का एलोवेरा जेल, बट उससे पहले मैं अपने बालों को बांध देती हूँ जिससे कि मैं सेविंग चल वही से साथ में वेट कर, रेडी हो जाऊँ, ठीक है। लेकिन हो चुका है, यू कैन सी दैट। आई एम कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स। आई जस्ट वियर दिस येलो कुर्ता, दिस इज माय। मैं इसको जल्दी से चेंज करके आती हूँ। यार हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब मैं रेडी होने बैठूँ तब ना कोई काम दे देता है कि ये काम करो उसके बाद रेडी होना। फिर वॉइस लोग सब लोग कहते हैं कि लड़कियाँ तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, बट उनको नहीं मालूम कि तैयार होने में टाइम क्यों लगाती है, बिकॉज जब भी तैयार होने बैठे तभी यू नो बहुत सारे काम आ जाते हैं। वैसे भी मेरे साथ हुआ, जब मैं रेडी होने के लिए बैठी तो डेकोरेशन का सामान आ चुका था भाई, और कहने लगे कि पहले डेकोरेशन का सामान आ चुका है, पहले उनको यू नो वॉल वगैरह को डेकोरेट कर लो, उसके बाद खुद को डेकोर कर ले रहा है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से डेकोर करना है, मेरे को यू नो स्टूल पर चढ़ा दिया गया कि तुम पहले डेकोर करो उसके बाद में रेडी होना, बिकॉज कहने उनको मालूम है कि जैसे इसको स्टूल से उतारेंगे ये रेडी होने के लिए चली जाएगी, भाग जाएगी वहाँ से। तो मेरे को कहा कि हम इसको कटिंग करके दे रहे हैं, आप इसको यू नो टेप वगैरह लगा के इसको स्टिक कर दो। तो मैं इसको यहाँ पे लगा रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको किस तरीके से लगाया, हमने कितनी बार तो टेप वगैरह उतारी, फिर से लगाया, फिर से लगाई। तो मैं फटाफट से मैं डेकोरेशन वाला काम फिनिश करके वहाँ से भागी, बिकॉज कहना मुझे रेडी होना था, व्लॉगिंग शूट करनी थी। सच्ची बताओ ना, घर में सबसे पहले रेडी होने के लिए मैं बैठी थी, बट सबसे लास्ट में मैं ही रेडी हुई थी, बिकॉज हज़ार काम मुझे यू नो बता दिए गए थे ये करो वो करो वो करो, देन लास्ट में मैं गई, मतलब मुझे रेडी होना है जल्दी से, मुझे अब छोड़ दो, बख्श दो। बॉयज़ लोगों को कह रहा है जल्दी से रेडी हो जाओ, कुर्ता वुर्ता डाल लो बस, फिनिश मेकअप वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा, लड़कियों के लिए सो ताम झाम होते हैं, इतना सारा मेकअप करो ये करो वो करो। जो रेडी हो रही थी सुंदर तरीके से, मम्मी हाय हाय। रूम में जो भी आ रहा है देख देख के जा रहे हैं कि यार व्लॉगिंग शूट हो रही है, वीडियो शूट हो रहा है, देख देख के जा रहे हैं, एंड आराम से प्यार से आ रहे हैं, हाय करके जा रहे हैं। मैंने इन सबको मालूम है कि पटाख धर के सबसे पहले घर में मैं रेडी होनी, बिकॉज मुझे व्लॉगिंग शूट करनी है, वीडियो शूट करना है, इसलिए 2 घंटे पहले मुझे रेडी होके बैठना पड़ेगा। 2 घंटे है भी नहीं हमारे पास, 6 बजे का, सॉरी 7 बजे का पक्का मेरा फोन दोस्तों, सॉरी मैं 2 मिनट के लिए फोन लेके जा रही हूँ। गया ये मुस्कान पहले तो पूरे घर में आराम से फिरेगी, सबको देख देख के आएगी कौन कौन रेडी हो रहा है कौन कौन रेडी नहीं हो रहा है, एंड देन लास्ट में सब लोग रेडी हो जाएंगे, फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आएगी यार तुम सब लोग रेडी हो गए मेरे के लिए, मुझको भी रेडी करो, एंड इसको भी व्लॉगिंग वगैरह करनी है। तो ये कह रही यहाँ पे तेरे बराबर कैमरा लगवा लूँ, इसको वीडियो शूट करना है, बट घर में कहीं पर भी इसको कैमरा रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मैंने स्टार्टिंग में पहले सबसे पहले कैमरा रख लिया, तो आया मैं सच्ची बताऊँ ना रेडी केवल 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाती, बट हम इतनी बातें करते करते रेडी हो रहे हैं तो टाइम लग रहा है यार, बीच में डिस्कशन चल रहा है, अलग डिस्कशन चल रहा है, अलग ही बातें चल रही हम लोगों की। सच्ची बताओ ना फंक्शन 7 बजे का है, बट मैं सच्ची बताऊँ ना 3 बजे रेडी होने के लिए वेट की, बट ऐसे यू नो 10 काम मुझे बता दिए गए ये कर लो वो कर लो, बीच में हमारी बातें स्टार्ट हो जाती है,
वैसे क्योंकि सच्ची मुझे मालूम है कि यार 3 घंटे लगने वाले हैं लड़कियों के इन मेकअप में टाइम ना लगे ना तो इतनी बातों में टाइम लग जाता है, बातें खत्म नहीं होती हम लोग की। फिर मैंने मुस्कान से अपने बालों को स्ट्रेट करवाया, बिकॉज इधर से उधर भी थी, मैंने कहा यार तुम रेडी भी हो जाओ साथ साथ मेरे बालों को भी स्ट्रेट कर दो, फिर मैं तुम्हारे बालों को स्ट्रेट कर दूंगी। मैंने अपने बालों को स्ट्रेट मेरी लोगों बहुत गंदी है, मेरे ऊपर विश्वास ना करें बहन, बाहर ज्यादा मत देना तुम्हारे वो लोग क्या है, चल जाएंगे तीन बाहर है बुलाओ क्या स्टार्ट बी लाइक अच्छा नहीं जब कंफर्टेबल है सामान बड़ी है कट कर सामान कंफर्टेबल है बट ही पूरी चलिए इसमें मैं शार कट लिए, इसके बाल देखो कितने जैसे हो रखे हैं, कुछ पता नहीं कितने दिन गया अभी थोड़ी देर में मेरे बाल भी स्ट्रेट करवाऊंगी, इससे पहले पूछे पूछी कुछ उसके बाद करती बिकॉज से पता है कि फिर वो गिनो काम भी करने वाली। सो मेकअप वगैरह सब कुछ डन हो चुका है, बट बारिश का मौसम हो चुका है, उस दिन की तरह बहुत बारिश आने वाली है, बट अभी तक शाम हुई नहीं है, शाम होते ही हमारे हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मेरे को हेयर स्टाइल समझ नहीं आया था मैं क्या हिस्सा बनाऊँ, बिकॉज मेरे मैंने कल बाल कटवाए थे, हेयर स्टाइल बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। दिन की तरह आज भी बारिश आना स्टार्ट हो चुकी है, आई डोंट नो व्हाई, बट यू नो मुझे लगता है कि सारे के सारे इस बार एक प्लस पॉइंट है, यहाँ बारिश के साथ साथ तूफान भी आने की तैयारी, प्लस पॉइंट ही माइनस पॉइंट है कि तूफान भी आना स्टार्ट हो चुका है, लाइट भी चली चुकी है एंड हमने मेकअप भी विदाउट लाइट किया कैसा है मेकअप बहुत लाइट करा बिकॉज यहाँ बहुत गर्मी, यहाँ पे लाइट नॉर्मल डेज में कटती नहीं है, पर अभी पता नहीं क्यों हमारे घर में फंक्शन है इसीलिए लाइट जा रही है, तूफान आ रही है, बारिश हो रही है, सब कुछ अभी क्या अभी होना है, हमारे बाल इतनी तेजी से उड़ रहे हैं आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा तेज, मैं आपको मौसम दिखाती हूँ सबसे पहले, बारिश की बूंदे गिर रही है साथ में, बट बारिश में खड़े रहे तो भूरा बह जाएगा एंड सब व्लॉग को एंड तक देखना की हमारे राजस्थान में किस तरीके से फंक्शन में जा रहे हैं तो आगे मिलते हैं। तो भैया हल्दी के फंक्शन की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी है, पंडित जी वगैरह सब लोग आ चुके हैं, यहाँ पर घर के भी सब लोग बैठ चुके हैं, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आधे से ज़्यादा लोग घर के बाहर है एंड बारिश वाले दिन की तैयारी, बारिश आ रही है फिर से बारिश आने वाली है। हाय, शादी के घर में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाला काम बच्चों को संभालना था, घर के सारे लोग लग जाए फिर भी बच्चे रोते रहते हैं एंड देन कैमरा मैन अंकल ऐसे ही बैठे थे वेले, तो मैंने कहा आप वेले क्यों बैठे हो, मेरे फोटो शूट कर दो, बिकॉज हल्दी का फंक्शन अभी तक 1 घंटा लगने वाला है। सो हम बहनों ने सब लोगों नारायण भैया से फोटो शूट करवाया एंड उतने में नो आपने येलो नहीं पहना, किस साइड है ये वोटर समेत कर रहा है, ओ इस साइड, ओ माय गॉड तुम ब्लैक आ रहे हो, इस साइड साइड आओ, सो भैया फाइनली फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, घर के सारे होज को काम पे लगा दिया गया है, तनी हमारे यहाँ पर तनी बांधी जाती है हल्दी वाले दिन, तो सब होज को लाके खड़ा कर दिया है। तो नारायण भैया आपने बताया नहीं आपने येलो क्यों नहीं पहना, बॉर्डर मैच होना जरूरी है, बॉर्डर को मैचिंग कर रहे हो आप, वाय दूर ले थोड़ा ताकि बॉर्डर अच्छा लगे, हर बार सबसे हटके रहते हैं ये बॉर्डर को मैच करने, सबने येलो पहन रखा है, उन्होंने एक भी येलो नहीं पहना, हमारे यहाँ पर घर में सब सब ब्लॉगर है श्याम भैया, आपकी हल्दी आपको कैसा लग रहा है, we are feeling very eagerly to let someone come in our house and हमें ये जगह मिलती है आराम से, हम यहाँ पर मजे करें, थोड़ा थोड़ा तेज बोले, 100 रुपए हम कभी भी चोरी कर सकते हैं, सतर्क रहे सावधान रहे, ये की बताई के हमारी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं, वो गिर गए मेरे आप इयररिंग गिर गए, नारायण भैया
सही से बताओ ना, मगर वॉइस ओवर ना करो, आवाज़ म्यूट ना करो, तो मेरे पूरे व्लॉग में आपको गीत की आवाज़ सुनाई देगी। बिकॉज हमारे राजस्थान फंक्शन का कोई भी फंक्शन स्टार्ट हो जाए, औरतें सारी की सारी गीत गाना स्टार्ट हो जाती है, गीत जाती है, तो हमें गीत वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो हम सब भाई लोग, इनू भाई बहन यहाँ पर रूम में आके बैठ गए, आराम से हताई वगैरह कर रहे हैं, बातें वगैरह करते हैं, जब तक कि इनू सही से फंक्शन स्टार्ट ना हो जाए, गीत वगैरह खत्म ना हो जाए। यहाँ पर मैं और मुस्कान अपनी स्टिल व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। पूरी शादी में हम लोगों के हाथ में कैमरा था, मेरे भाई को गणेश जी बनाया जा रहा है, जो गणेश जी बिल्कुल नहीं लग रहे, छोटा बड़ा गणेश जी, छोटा गणेश और बड़ा गणेश, छोटा गणेश बड़ा गणेश, ये हमारे गणेश जी, घर के गणेश जी, इसको गणेश जी बनाया जा रहा है, छोटे गणेश जी बड़े गणेश जी, चलो छोटे तो उसने बड़े पे बड़े गणेश जी, बहुत बिल्कुल नहीं लग रहे। ये हल्दी वाली थाली मैंने और नारायण ने मिलके डेकोरेशन दी थी, इसकी इसको डेकोर कराया था, तो हम दो ही केवल एक्साइटेड है इसको लाने के लिए, इसको आगे रखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हमने तैयार करी है, कोई तो इसको देख लो, कोई तो इसकी तारीफ कर दो कि इतनी सुंदर सी थाली किसने बनाई है हल्दी वाली। बट सो सैड, किसी ने भी नहीं पूछा हमसे कि थाली किसने बनाई है, इसलिए हल्दी वाला इसको ढूंढ के दिखा देती हूं, सुंदर लग रही है ना, अभी हम लॉगिंग कर रहे हैं यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, ये ढंग से सही से, एकदम सही से, आराम से, ये मेरा छोटा भाई जो कुछ भी नहीं लगता है। से हाय टू माय फ्रेंड्स, उसके बाद राजस्थान में एक रस्म होती है कि घर की लड़कियों को, छोटी छोटी कन्याओं को, हम छोटी छोटी कन्याएं तो नहीं है, बड़ी बड़ी कन्याएं, पर हम लड़कियों को बड़ी निकालने के लिए बैठा जाता है एक पार्टी पे, इन्हों बड़ी निकाली जाती है वहाँ पर। अंदर में थक थका बहुत थक चुकी थी काम वगैरह करके, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही थी, मैं छत पर चली गई, अंदर फिर नीचे आया तो देखा था कि काफ़ी सारा फंक्शन खत्म हो चुका है, देन हम रील्स वगैरह बनाने के लिए छत पे आ गए, रील्स वगैरह शूट करिए, एंड देन कैमरा मैन मेन वाले भैया सीरियसली उन्होंने हमें परेशान कर लिया, कभी कह रहे हैं हाथ को ऊपर रखो, कभी कह रहे हैं नीचे रखे, कभी कह रहे हैं फेस को पूरा कवर कर लो, कभी कह रहे हैं फेस को उठा दो, पता नहीं आगे भी देखना, वो हमें हाई फाई वाले शूटिंग करवाने वाले हैं। मेरे सच्ची बताना पूरा हाथ दर्द होने लगा, हाथ पेन होने लगा, तो मैंने कहा यार एक घंटे से हाथ ऐसे ही रखे हुए, फेस पे रखो, कभी फेस के ऊपर रखो, ये देखो, एंड देन उन्होंने कहा कि नो म्यूजिक वगैरह कुछ भी नहीं, खुद ही गाना गाओ, झूठ मूठ का डांस करो, एंड झूठ मूठ की शूटिंग करें, हम पूरा फंक्शन ऐसे झूठ मूठ का लग रहा था, हम लोगों ने खुद नहीं गाना गाया, खुद नहीं डांस कर रहे हैं, झूठ मूठ का बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। भाई संगीता भी है, एक स्टेप आ गया, एक स्टेप, एक स्टेप, सब गैप रखे बीच में, ओके यस, गर्दन नीचे करो, यस चेहरा नहीं दिखना चाहिए, फिर कैमरामैन वाले भैया ने कहा कि अभी तीन सौ काम पर एक रील चल रही है, उसमें सारी गर्ल्स आगे लेके आती हैं, धीरे धीरे अपने हाथ को हटाती हैं, देन फेस दुल्हन को लेके आगे लेके आती हैं, उनको फेस को कवर करती हैं, देन वो वाली रील भी बनाई उनके कहने पर। सच्ची बताओ ना, इतने टेक तो मैंने कभी अपने यूट्यूब के वीडियोज़ के लिए नहीं लिए, व्लॉगिंग के लिए नहीं लिए, बट यहाँ पर लेने पड़ रहे हैं। बट सच्ची बताओ ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती की हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा मज़े किए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।